लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर गोरखपुर में अपने खेत में काम कर रही रामरति दूसरे किसानों के लिए नजीर बन गई है। हालत यह है कि सरपतहा ग्राम पंचायत को दूर दूर तक अब लोग रामरति के गांव के नाम से जानते हैं। एक खेत में एक साथ 30 से 35 फसलें उगाना थोड़ा हैरान करता है, लेकिन यह सच्चाई हमने खुद अपनी आंखों से देखी। महज 3.5 बीघे खेत में मिश्रित खेती कर रामरति ने छोटी जोत के किसानों के लिए मिसाल कायम कर दी है। ऐसा है कि हम अपने कुछ नसीब से तकनी से पलवार के हिसाब से हम सोच बढ़ौली कि जो हम खेती में करब नहीं तो हम कहाँ से ले आई। ओकरे वजह से हम अपन सब्जी के खेती करे लगली, केरा के खेती करे लगली, बेच बेच वहीं से कुछ खाई कुछ बेच के अपन हम बचत निकाल ले जाएं। वही से हमार काम भी चलल कई, लागत भी हमार कम हो गई बाहरे के। 50 साल की रामरति पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। पुरखों से मिले अनुभव और खुद के ज्ञान से रामरति गेहूं धान सब्जी से लेकर फल तक सब कुछ एक साथ अपने खेतों में उगाती हैं। रामरति का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। वो अपने जानवरों के गोबर, बगीचे के पत्तों और सब्जियों के अपशिष्ट से जैविक खाद बनाती हैं। एक वक्त था जब रामरति दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था, लेकिन काबिलियत तब भी थी, सोच तब भी थी। इसीलिए रामरति गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप ने उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुना। इसके बाद रामरति ने जल, जमीन, जानवर, समय और स्थान का ऐसा इस्तेमाल किया कि सफलता उनके कदम चूमने लगी। छोटे किसानों के लिए रोल मॉडल बनी रामरति को 2011 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की ओर से आदर्श महिला अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है।